हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल में जो पहला मुकाबला खेले जाने वाला है यहाँ पर चेन्नई वर्सेस आरसीबी के बीच में। इस मैच के बारे में वीडियो में दोस्तों मेगा जीएल टीम के बारे में बात करने वाले हैं। इस मैच में आपको पहले ही मैच में 1 से लेकर 11 करोड़पति बनते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको ऐसी ग्रैंड लीग की टीम बना के बताने वाला हूँ जो कि आपको टॉप 20 के अंदर ग्रैंड लीग में आपकी रैंक ला के देने वाली है, ढेर सारा पैसा दोस्तों आपको कमवा के देगी। और इस मैच के लिए मैं आपको परफेक्ट सीवीसी बताऊंगा जिसको आपको अपने ग्रैंड लीग में परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में ट्राई करना है दोस्तों। नहीं विन हुआ तो बोलिएगा। स्मॉल लीग के लिए 4 मेंबर का ऐसा ट्रम्प कार्ड प्लेयर बताऊंगा 2 से 3 जो कि आपको क्लीन स्वीप करा के जाने वाला है। लो सिलेक्शन प्लेयर है, कोई नहीं लेके आ रहा है, लेकिन दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना है, एक तरफ आप क्लीन स्वीप करके जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर दोस्तों इस मैच की मैं आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप मेरे टीम से सिर्फ 2 से 3 मैच खेल के देखना, नहीं विन हुआ ना भाई फिर बोलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, साथ में दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन कर देना क्योंकि मेरे भाई पूरे आईपीएल में सबसे पहला जो भी आपको ग्रैंड लीग विन कराएगा ना वो भाई आपको प्ले फैंटेसी वाला ही ग्रैंड लीग विन करा के देने वाला है। मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूँ, आप नोटबुक में लिख के रख सकते हो, पिछले साल भी मैं ही विन कराया था, ठीक है, जो मेरे पुराने यूजर्स हैं उनको पता है। तो ग्रैंड लीग आपको प्ले फैंटेसी वाला ही विन करा के देगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए रहोगे ना तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहला पहुँचेगा, तो आप आके वॉच कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और खुद से भी टीम बनाना सीख जाओगे। तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए रहोगे और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिए रहोगे। देखो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देखने लायक है ही नहीं कुछ, वो पिछले साल का रिसेंट फॉर्म हो गया। वेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर एमएस चिदंबरम स्टेडियम पर मैच खेला जाएगा जो कि भाई चेन्नई का होम ग्राउंड है। पिच बैलेंस रहेगी, इसका मतलब है पता है दोस्तों आपको, वहाँ पर बैट्समैन को भी मदद मिलेगा, फास्ट बॉलर को भी मदद मिलेगा, प्लस वहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिलेगा। तो भाई ये जो BFS है ना, तीनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा आपको, बैट्समैन को भी रखना पड़ेगा, फास्ट बॉलर को भी रखना पड़ेगा और स्पिनर्स को भी रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखो, गुड फॉर पेसर्स है, फास्ट बॉलर को आपको यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलते हुए दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक काली पिच की मिट्टी है, ठीक है, और एक रेड पिच की मिट्टी है। तो वहाँ पर दोस्तों जो रेड वाले पे होता है ना वहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलता है और काली वाली पर वहाँ पर फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को मदद मिलता है। बाकी यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाला है, वेदर साफ रहेगा, कोई भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। बाकी यहाँ पर लास्ट के 5 T20 देखोगे तो जो भी टीम पहले बैटिंग करती है 150 रन बना ही देती है, तो आप उम्मीद कर सकते हो आराम से 150-160 रन आपको बनते हुए दिख जाएंगे। लास्ट के यहाँ पर 5 T20 में टोटल विकेट यहाँ पर अभी गिरे हुए हैं 13, जिसमें से यहाँ पर पेसर्स ने 9 विकेट निकाला हुआ है और यहाँ पर स्पिनर्स ने 4 विकेट निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पर पेसर्स ज़्यादा विकेट आपको निकालते हुए दिख जाएंगे। हेड टू हेड में देखोगे ना तो टोटल मुकाबले खेले गए हैं 9, जिसमें से यहाँ पर चेन्नई ने 6 मैच को विन किया हुआ है और आरसीबी ने 3 मैच को विन किया हुआ है, ठीक है। तो भाई इस मैच को भी आरसीबी हारेगी और सीएसके विन करेगी क्योंकि सीएसके के होम ग्राउंड पर मैच है और मैं तो भाई सीएसके का फ़ैन हूँ। आप कमेंट करके बताओ आप किसके फ़ैन हो। सीधा चलते विकेट कीपर सेक्शन में, वहीं से टीम बनाना स्टार्ट करते। और भाई अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि भाई आपको इस आईपीएल में जो भी आपको ग्रैंड लीग विन कराए प्ले फैंटेसी वाला ही विन कराएगा, मैं आपको गारंटी के साथ में लिख के देता हूँ। भाई पूरी सीजन मेरी वीडियो देखना, अगर ग्रैंड लीग नहीं विन हुआ ना तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। लेकिन भाई पूरी वीडियो देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना और हर एक मैच की वीडियो देखना। भाई पिछले साल मैंने बहुतों की नसीब बदली है और इस साल आपकी भी नसीब बदल सकती है। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में। एक दिन में तो ग्रैंड लीग विन होगी नहीं, 2 दिन में तो होगी नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर होगी क्योंकि हमारे पास 70 मैच है दोस्तों, 70 मैच बहुत होते हैं, ठीक है। जाके टेलीग्राम पर मेरे पिछले साल का रिजल्ट देख लीजिएगा। विकेट कीपर में यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले डेविन कॉनवे की जो कि खेलने वाले नहीं है। एमएस धोनी खेलेगा, दिनेश कार्तिक खेलेगा, अनुज राउत खेलेगा, ए राव नहीं खेलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रखना किसको है, यहाँ से मेरे भाई एमएस धोनी की बात करें तो यहाँ पर अगर चेन्नई पहले बैटिंग करेगी इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, हमारे फेवरेट प्लेयर हैं और इन्हीं की वजह से मैं चेन्नई को हमेशा सपोर्ट करते आया हूँ, ठीक है। 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत करना, विकेटों के पीछे दिखेंगे आपको, कैचिंग और स्टंपिंग से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। इनको आप तभी ट्राई करना जब यहाँ पर चेन्नई पहले बैटिंग करेगी, तो टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर देना, मिडल ऑर्डर को ड्रॉप कर देना, इनको एक टीम में ग्रैंड लीग के जरूर रखो, ठीक है। स्मॉल लीग के लिए तो मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कि लेके आओ, स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक है, ग्रैंड लीग में एक टीम में जरूर रख के आना, ठीक है। बाकी यहाँ पर सबसे जो अच्छी पिक रहने वाली है दिनेश कार्तिक, 6 नंबर पे बैटिंग कर सकता है या 5 नंबर पे बैटिंग कर सकता है या 4 नंबर पे बैटिंग कर सकता है, जैसा इसकी टीम इसको चाहेगी बैटिंग कराना।
ठीक है। कब पिछले साल तो कभी कभी भाई ये 4 नंबर पे आता था, 5 नंबर पे आता था, 6 नंबर पे आता था, अभी तो बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है इसकी। अनुज राउत की बात करें तो ओपनिंग करने के लिए आएगा, RCB सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग करे तो फिर आप इसको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, नहीं तो इसको ड्रॉप कर दो। भाई मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो आपको कम से कम 3 से 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, एक टीम से आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे। तो एक टीम में आप दिनेश कार्तिक को ले जाओ, एक टीम में अनुज राउत को ले जाओ, एक टीम में आप MS धोनी को ले जाओ, ठीक है, और एक टीम में यहाँ पर दिनेश कार्तिक और अनुज राउत दोनों को ले जाओ। भाई गारंटी देता हूँ, नहीं अगर आपको ड्रीम टीम में अगर ये तीनों में से दो निकल के आए तो बोलना, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे भाई यहाँ से मैं रखने वाला हूँ अपनी टीम में दिनेश कार्तिक को। बैटिंग में आ गए हैं, विराट कोहली की बात करेंगे सबसे पहला, 87% इसका सिलेक्शन है, 87% जनता इनको अपनी टीम में लेके जा रही है। लेकिन मेरे भाई देखो, सेकेंड इनिंग में अगर RCB बैटिंग करे तो इसको आप अपनी टीम का CVC भी ट्राई कर सकते हो। प्लेयर अच्छा है नो डाउट, ठीक है, प्लेयर अच्छा है नो डाउट, लेकिन ये फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप हो सकता है। इसका विकेट कौन निकालेगा पता है आपको? इसका विकेट मेरे भाई यहाँ से दीपक चहर विकेट निकाल सकता है, और प्लेम बॉलिंग करने के लिए आएगा, स्टार्टिंग में अगर विकेट निकाल लेगा तो निकाल लेगा, नहीं तो फिर दीपक चहर विकेट नहीं निकाल पाता, इस बात को ध्यान में रखना। और प्ले में ही पूरे 4 ओवर बॉलिंग करके चलेगा, डेथ में बॉलिंग नहीं करता है, ठीक है। इस बार डेथ में शार्दुल ठाकुर आपको बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा एम्पथी राणा के साथ में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो विराट कोहली थोड़ा रिस्की पिक हो सकता है फर्स्ट इनिंग में, एज अ प्लेयर लेके जाएंगे। आर गायकवाड़ की बात करें तो 80% जनता इनको अपनी टीम में लेके जा रही है, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग को काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, हालांकि इनकी जोड़ी टूट गई है जो कि डेविन कॉनवे के साथ में बैटिंग कर रहे थे। इस साल डेविन कॉनवे कुछ स्टार्टिंग के मैचेस आपको मिस करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन भाई प्लेयर अच्छा है, CVC आपको नहीं ट्राई करना है, पहला मैच है, एज अ प्लेयर इसको अपनी टीम में लेके जाने वाले हैं। फैफ डुप्लेसिस की बात करें तो 76% जनता इनको अपनी टीम में रख रही है, फर्स्ट इनिंग में काफ़ी गजब की बैटिंग करते हैं, सेकेंड इनिंग में भी बैटिंग करते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा ये समय लेते हैं, और टीम के कैप्टन है और भाई पुराने प्लेयर है CSK के, इनको पता है कि CSK की क्या कमजोरी है क्या ताकत है, ठीक है। तो इनको तो आपको भूल से ही अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करना है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में, तो गलती से भी ड्रॉप मत करना, और हो सके तो इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना अपनी टीम का, काफ़ी अच्छी पिक रहने वाली है इस मैच के लिए। फैफ डुप्लेसिस को भी लेके आएंगे। डेरी मिचल्स की बात करें तो भाई 63% जनता इनको अपनी टीम में लेके जा रही है, 2 से 3 ओवर आपको इस मैच में बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, और भाई बैटिंग तो क्या ही लाजवाब करते सबको पता है, और बैटिंग तो इनकी आनी ही तय है क्योंकि CSK का विकेट जाएगा, चाहे पहले बैटिंग करें या सेकेंड में बैटिंग करें, इनको भी लेके जाएंगे हम लोग अपनी टीम में। वहीं पर बात करेंगे शिवम दुबे की, तो 42% इनकी सिलेक्शन है, 42% जनता इनको अपनी टीम में लेके जा रही है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इनको आप तभी ट्राई करना जब यहाँ पर चेन्नई पहले बैटिंग करेगी मेरे भाई, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होएगा तो ही इनकी बैटिंग आएगी, 6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इनको आप तभी रखना जब चेन्नई पहले बैटिंग करे, सेकेंड इनिंग में रख रहे हो तो टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर देना, इस बात को ध्यान में रखना। बाकी अजिंक्य रहाणे का खेलने का शायद ही चांस है, ये इस मैच में शायद ही खेलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर रजत पाटीदार की बात करें तो खेलेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, 6% सिलेक्शन है, 6% जनता इसको अपनी टीम में लेके जा रही है, RCB पहले बैटिंग करे अपनी टीम में रख लो, काफ़ी अच्छी आपको पॉइंट देके जा सकता है इस मैच में। सिलेक्शन बेस पे आपको टीम कभी नहीं बनानी, प्रेडिक्शन बेस पे आपको टीम बनानी है, इस बात को ध्यान में रखना। 6% सिलेक्शन है, आराम से अपनी टीम में लेके जाओ, 3 से 4 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, एक टीम में लेके जाओ, मैं भी इसको अपनी टीम में रखूँगा, अभी तो मैं आपको एक टीम बना के बता रहा हूँ, इसके लिए इसको अभी अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 4 ही बैट्समैन को रखने वाला हूँ, बाकी यहाँ से S प्रभुदेसाई नहीं खेलेगा, खेलेगा तभी भी कुछ काम का नहीं है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ काम का नहीं है। ऑलराउंडर में आ गए हैं तो सबसे पहले बात करेंगे जडेजा की, भाई 84% जनता अपनी टीम में लेके जा रही है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड में स्पिनर है, भाई दोनों का क्या ही 36 का आंकड़ा है, ग्लेन मैक्सवेल रविंद्र जडेजा क्या ही आउट करता भाई, रविंद्र जडेजा ग्लेन मैक्सवेल को बहुत जल्दी आउट कर देता है यार, जैसा गली का मैच होता है ना, आउट करके चले जाता है, रिकॉर्ड से देख लेना आप इनका। और इस मैच में भी रविंद्र जडेजा ही ग्लेन मैक्सवेल को आउट करेगा, अगर ये आउट नहीं होएगा और रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने के लिए आया तो भाई आर या पार है, इस बात को ध्यान में रखना। और इस मैच में भी रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहो तो VC ट्राई कर सकते हो इसको अपनी टीम में, ठीक है, VC ट्राई कर सकते हो, अगर स्पेशली अगर यहाँ पर पहले बॉलिंग करेगी तो चेन्नई, ठीक है। बाकी बैटिंग से भी पूरी उम्मीद करना कि भाई आपको रन बना के देगा, 30+ रन इस मैच में आपको बना के देने वाला है, ठीक है, यहाँ से अपने टीम में रख लो। ग्लेन मैक्सवेल की बात करेंगे तो 92% जनता अपनी टीम में लेके जा रही है, और सब लोग इसको CVC बनाएंगे, सब लोग इसको CVC बनाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बनाना है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, फ्लॉप हो सकता है इस मैच में, क्योंकि भाई रविंद्र जडेजा है, अगर विकेट
ये निकाल के लेके जाएगा, अगर विकेट इसका नहीं गया, फास्ट बॉलर इसका विकेट नहीं निकाले तो भाई रविंद्र जडेजा आएगा और डंडा गुल कर देगा, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन एज अ प्लेयर तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। कैमरन ग्रीन की बात करें तो 58% जनता अपने टीम में लेके जा रही है, उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, फ्लॉप होने वाले दोस्तों। बैटिंग से अगर भाई पॉइंट्स देंगे तो देंगे, बॉलिंग से शायद ही पॉइंट्स दे, ठीक है। ओवरऑल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ड्रेमिलोन पॉइंट देके जाएंगे। भाई चल गया तो चल गया, लेकिन भाई ये फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसको ड्रॉप करेंगे अपनी टीम से इस मैच में। मोइन अली की बात करें तो भाई देखो ओपनिंग भी करने आ सकता है, लेकिन रविंद्र ओपनिंग करेगा चेन्नई के साथ, चेन्नई की टीम की तरफ से रुतराज गायकवाड़ के साथ में। मोइन अली टू डाउन बैटिंग करने के लिए आएगा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर है। सामने वाली टीम में भाई लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ना, उनका विकेट ही निकालेगा, ठीक है, उनका विकेट ही निकालने वाला है। और अच्छी पिक है भाई मोइन अली, आराम से इसको अपने टीम में लेके जाओ, बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूँ, 4 मेंबर की टीम बना रहे हो, आराम से लेके जाओ, एक तरफा आप नहीं विन करोगे तो बोलना, फिर लेके जाओ भाई अपनी टीम में मोइन अली को भी, ठीक है। बाकी रविंद्र की बात करें तो पहला मैच खेलेगा भाई आईपीएल का, 69% जनता अपने टीम में लेके जा रही है, ओपनिंग करने के लिए आएगा चेन्नई की तरफ से, हार्ड हिटर बैट्समैन, आपको तो पता ही भाई क्या ही वर्ल्ड कप में खेला था, T20 में भी खेल रहा है, ठीक है, काफ़ी गजब का बैट्समैन है, एज ए इंडियन बैट्समैन है, न्यूजीलैंड में खेल रहा है, ठीक है। तो भाई इसको भी अपने टीम में रखेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं ट्राई करना, बहुत करेंगे लेकिन आपको नहीं ट्राई करना है, ठीक है। जिस प्लेयर को मैं आपको बोल रहा हूँ उसी प्लेयर को आपको सीबीसी ट्राई कर लेना है भाई, नहीं ग्रैंड लीग में अगर आपकी टॉप की रैंक आई ना, फिर भाई मेरा वीडियो मत देखना आप कभी, ठीक है, इस बात को इतना मैं दावे के साथ में बोलता हूँ, एज अ प्लेयर लेके जाओ भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। बाकी यहाँ पर टॉम करन की बात करें तो भाई टॉम करन शायद ही खेले, ठीक है, खेलने वाला है ही नहीं। मिचेल सैंटनर खेलेगा तो किसकी जगह पर खेलेगा, रविंद्र खेलेगा तो मिचेल सैंटनर खेलेगा, ठीक है। अगर भाई स्पिन फ्रेंडली पिच हो गई तो मिचेल सैंटनर आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, फिर डेरी मिचेल्स आपको नहीं खेलते हुए दिखेगा, ठीक है, यहाँ से डेरी मिचेल्स फिर इसका खेलने का कम चांस है। अगर भाई फास्ट बॉलिंग पिच है तो डेरी यहाँ पर मिचेल सैंटनर ही नहीं खेलेगा, ठीक है, फिर इसकी जगह पर डेरी मिचेल से आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, जो कि बैटिंग प्लस फास्ट बॉलिंग से भी आपको पॉइंट्स देके जाने वाला है। तो खेलेगा तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, इसका खेलने का मतलब ये है कि भाई स्पिन फ्रेंडली पिच पे मैच हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर विल जैक की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 6% सिलेक्शन है, अभी तक उतना कुछ खास इन्होंने, इनका रिसेंट फॉर्म भी अभी उतना कुछ खास चल नहीं रहा है, पहला मैच है, अगर खेलेंगे तो एक टीम में ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई उतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर और कोई खेलने वाला नहीं है मेरे भाई, सीधा चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मोहम्मद सिराज का, 74% जनता अपनी टीम में लेके जा रही है, ग्रैंड लीग की हो चाहे स्मॉल लीग की हो। तो देखो आरसीबी अगर पहले बॉलिंग करे तो फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आएगा, डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएगा, तो फिर आपको इसको छोड़ के जाना ही नहीं गलती से भी, ठीक है। बाकी अगर सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करे तो अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे भाई इसको मैं अपनी टीम में रखूँगा, अभी के लिए रख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ यहाँ पर मोहम्मद सिराज पहले बॉलिंग कर रही है इनकी टीम और ये बॉलिंग करेगा। बाकी यहाँ पर दीपक चहर की बात करें तो प्लेयर अच्छा है, 44% सिलेक्शन है, पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आ जाएगा, पूरे 4 ओवर इसका मिडल ओवर तक खत्म हो जाता है, डेथ में रखता ही नहीं धोनी इसका एक भी ओवर, इस बात को ध्यान में रखना। अगर भाई इसको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो ना अपनी टीम का ग्रैंड लीग का, तो सामने वाली टीम का टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर दो, विराट कोहली हो गया, फैफ डुप्लेसिस हो गया, स्टार्टिंग में विकेट यही निकालेगा उनका, नहीं तो फिर वो आउट नहीं होंगे, साथ में शार्दुल ठाकुर भी बॉलिंग करते हो आपको दिख जाएगा, 22% सिलेक्शन है, खेलेगा ये भी, अच्छी पिक है, बैटिंग से भी ज़्यादा पॉइंट देगा आपको, बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग से पॉइंट देगा इस मैच में, इस बात को ध्यान रखना, 50+ पॉइंट्स देके जाने वाला है ड्रीम इलेवन में, आराम से इसको अपनी टीम में रख लो शार्दुल ठाकुर को, आराम से, कोई भाई अच्छी पिक है, कोई उतना आपको बुरा काम ये नहीं करके देगा, ठीक है, शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में रखेंगे हम लोग। बाकी यहाँ पर लॉकी फर्गुसन की बात करें तो यहाँ पर भाई देखो 24% जनता अपनी टीम में लेके जा रही है, लेकिन इसकी कुटाई पिटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, गुजरात टाइटंस के टीम में था, वहाँ से इसको रिलीज कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अपनी टीम में नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आप आरसीबी के फेवर में टीम बना रहे हो तो आराम से अपनी टीम में रख के जा सकते हो। एम पथेराना की बात करें तो 91% जनता अपनी टीम में लेके जा रही है, लेकिन भाई डेथ में बॉलिंग करेगा फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, फर्स्ट इनिंग में ही अच्छी खासी बॉलिंग करता है, तो फर्स्ट इनिंग में इसको आपको छोड़ के नहीं जाना, सीएसके अगर पहले बॉलिंग करेगी तो अपने टीम में रख लेना, और हो सके तो इसको आप लोग वीसी भी ट्राई कर सकते हो एक टीम में ग्रैंड लीग के, ठीक है। बाकी यहाँ पर एम रहीम की बात करें तो खेलेगा नहीं खेलेगा,
आपको बता दूँ ये नहीं खेलेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर एम पथिराना ही खेलेगा, क्योंकि पिछले साल भी डेथ में बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर रहा था, तो एम पथिराना का ही खेलने का ज़्यादा यहाँ पर चांसेस है। बाकी आप पर रिश टॉपली की बात करें तो अगर खेलेगा और फर्स्ट इनिंग में आरसीबी बॉलिंग करेगी तो भाई कैप्टन बना लेना एक टीम का, अपनी एक टीम में कैप्टन बना लेना अगर खेलेगा तो, इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी गजब का चल रहा है। बाकी अल्जारी जोसेफ काफ़ी ज़्यादा इनकी कुटाई पिटाई होती गुजरात टाइटन्स में थे, वहाँ से सारे प्लेयर रिलीज होकर यहाँ पर आ गए हैं। एम थिस्काना की बात करें टॉप ब्रेक बॉलर है, खेलेगा पर लेकिन भाई देखो सेकेंड इनिंग में मत रखना, फर्स्ट इनिंग में ही रखना। 8% जनता अपने टीम में लेके जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। करण शर्मा की बात करें तो बहुत ही कम चांस है खेलेगा दोस्तों, अगर खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ से दोस्तों तुषार देशपांडे भी नहीं खेलेगा, एम चौधरी भी नहीं खेलेगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर अवेलेबल हैं उनकी जगह पे, पिछले साल यही सब खेल रहे थे मुकेश चौधरी और यहाँ पर तुषार देशपांडे, जो कि काफ़ी गजब की बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर दोनों आ गए हैं तो खेलने वाले ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग शार्दुल ठाकुर को रखेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो मैं भाई यहाँ से कैप्टन बनाऊँगा रविंद्र जडेजा को, और वाइस कैप्टन यहाँ पर बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पर सेकेंड इनिंग में आरसीबी अगर बॉलिंग करेगी तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो मैं यहाँ से विराट कोहली को बनाऊँगा। फर्स्ट इनिंग में अगर यहाँ पर आरसीबी बैटिंग करेगी तो मैं यहाँ से फैफ डु प्लेसिस को बनाने वाला हूँ, अभी के लिए विराट कोहली को बना रहा हूँ। ठीक है, तो टीम का प्रीव है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो भाई। इनिशियल टीम है, बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, 6 ग्रैंड लीग की टीम और 1 स्मॉल लीग की टीम। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप एक बार ज्वाइन करके देखो, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मैच हमारी टीम से खेल के देखो भाई, नहीं विन हुआ ना फिर बोलना आप। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि पूरे आईपीएल में अगर कोई भी आपको ग्रैंड लीग विन कराएगा तो प्ले फैंटेसी वाला ही विन कराएगा। आप चाहे मेरे बात को मानो या मत मानो, हल्के में लो, हंसो, कुछ भी करो, जोक करो, लेकिन मैं गारंटी के साथ में आपको बोलता हूँ, जो बंदा आपको आईपीएल में ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग विन कराएगा वो प्ले फैंटेसी वाला ही रहेगा। इस बात को आप लोग चाहो तो नोटबुक में लिख के रख सकते हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो हर मैच की वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी, आप देखोगे बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, हमेशा कॉपी करने के बजाय सीखने की चाहत रखो, सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए रहोगे, ये मैं आपसे इतना उम्मीद कर सकता हूँ। मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।